आज उपाय शेयर करने से पहले, प्रयोग शेयर करने से पहले आप सभी भाई बहनों के साथ एक बात का खुलासा कर दूं कि आज जो उपाय शेयर कर रहा हूं, जो प्रयोग आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये उपाय मेरा नहीं है। व्हाट्सएप पर एक बहन जी ने मुझे ये वीडियो की लिंक भेजी थी, राष्ट्रीय संत डॉक्टर वसंत वीर जी महाराज के वीडियोस की लिंक थी, मुझे व्हाट्सएप पर दी थी। बहन जी ने लिखा था कि मुकेश जी, ये प्रयोग मैंने किया है, ये उपाय मैंने किया है, मुझे फायदा हुआ है, अगर कर सकते हैं तो आप इस प्रयोग को, इस उपाय को आपके वीडियो के माध्यम से आप शेयर करें, परिवार को बताएं। कहने का मतलब इतना ही है कि ये उपाय मेरा नहीं है, डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज ने ये उपाय दिया था और मैं डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज का उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाएं। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूलें छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र अर्ज करता हूँ, भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम उसे लिख लो, आधे सेकंड का काम है। अनेक वीडियोस में मैंने आपके साथ एक बात शेयर की है, हमारी हाथ की हथेली, पैर के तलवे और हमारी नाभि पूरे शरीर के साथ, इस तीन अंग का, हथेली, पैर के तलवे और नाभि पूरे शरीर के साथ इसका कनेक्शन है। ये सर्दी की सीजन में जब आपको ठंड लगे तब आप हथेली घिसेंगे तो पूरे शरीर में एक गर्माहट पैदा होगी, एक ऊर्जा पैदा होगी। एक और प्रयोग आपको दे दूं दोस्तों, एक और जानकारी दे दूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि मन उदास है, बेचैन है, मज़ा नहीं आ रहा है, सुस्ती जैसा लग रहा है, थोड़ी देर बैठे बैठे सिर्फ हथेलियों को खींचे, बस हथेली को खींचना है, 2 मिनट 3 मिनट हथेली घिसे, हथेली को गर्म करे, बाद में देखे जो सुस्ती हो कहाँ गायब हो जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा आपको। हमारी हाथ की हथेली, सभी ग्रहों के पर्वत हमारी हाथ की हथेली में है, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, धन रेखा, भाग्य रेखा, संतान रेखा, ये सभी रेखाएं हमारी हथेली में है दोस्तों। ये है लाइफ लाइन, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन के बाजू में छोटी पतली एक रेखा होती है जिसे धन रेखा बोलते हैं। तो ये प्रयोग में आपको हथेली को जागृत करना है। प्रयोग आसान है, सरल है और उतना ही सटीक है, क्योंकि वो बहन जी ने जो मुझे बताया था कि मुझे फायदा हुआ है, तो हो सकता है आपको भी फायदा हो। कल मैंने कमेंट देखी थी, दूसरी जानकारी दे दूं, परिवार में से कई भाई बहन यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो एक बहन ने कमेंट में चैनल की लिंक डाल दी थी, वीडियो की कमेंट में, कल के वीडियो की कमेंट में चैनल की लिंक डाली थी। आप ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको नुकसान हो सकता है। मेरे एक के वीडियो में नहीं, किसी की चैनल पर, किसी के भी वीडियो के कमेंट में कभी भी आपकी लिंक ना डालें, आपकी चैनल की लिंक ना डालें। अगर आप यूट्यूब पर मेहनत करते हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मुझे मालूम है कई भाई बहन यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, आपकी चैनल की लिंक मुझे व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, आपकी लिंक, चैनल की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा। परिवार के सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट करूँगा
परिवार, पूरा परिवार आपको सपोर्ट अवश्य करेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसके लिए मुझे आपका एक भी रुपया नहीं चाहिए। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, व्हाट्सएप के माध्यम से उपाय समाधान आप तक पहुंच जाएगा। बाकी की सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। आप मैसेज करके रख दें, रिप्लाई अवश्य करूंगा, जवाब सभी को देता हूं, आपको भी जवाब दूंगा, वो बात पर पूरा भरोसा रखें। दोस्तों, वीडियो में वसंत विजय जी महाराज ने बताया था, मैंने पहले भी बोला, दोबारा भी बोलता हूँ, हथेली, पैर के तलवे और नाभि, पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन है इसका। आपको लेना है कपूर, ये प्रयोग आप कोई भी प्रांत से है, कोई भी धर्म से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। हथेली को जागृत करनी है, धनरेखा को जागृत करनी है, कपूर लेना है। दोस्तों, ये भीमसेनी कपूर है, मैंने मेरे कल या तो परसों के वीडियो में भी आपको बताया था, देसी कपूर भीमसेनी कपूर बोलते हैं। अब थोड़ा कपूर लेना है आपको, कपूर का पाउडर जैसा कर देना है, पाउडर फॉर्म में कर देना है कपूर को, ऐसा मसल कर। एक नींबू लेना है, मैंने नींबू के दो टुकड़े कर दिए हैं, वैसे आपको भी बीच में से नींबू काट देना है, दो टुकड़े कर देने हैं नींबू के। अब हथेली में यहां बीच में कपूर का थोड़ा पाउडर करके रख दें, ऐसे उंगली से तोड़ के थोड़ा पाउडर करके रख दें। नींबू को उल्टा जहां से काटा है वो साइड इनके ऊपर आ जानी चाहिए, ऐसे बंद कर दें। अब दूसरी हथेली में भी ऐसे थोड़े कपूर के टुकड़े रख दें, दूसरी हथेली में भी ऐसे नींबू को रख के ऐसे बैठ जाए। जब तक कपूर पिघल जाएगा, थोड़ी आपको मालूम पड़ेगा कि हथेली में कुछ आपको अजीब सी चरचराहट हो रही है, आपको मालूम पड़ेगा। थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट बैठने, बस बैठे रहे ऐसे ही शांति से। ये प्रयोग के माध्यम से आप आपकी धन रेखा को, आपकी हथेली को जागरूक कर सकते हैं। कितने दिन प्रयोग करेंगे? जब भी आपको समय मिले, जब भी मौका मिले, ये प्रयोग करें। 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपके हाथ पानी से साफ कर ले, नींबू को बड़े पेड़ के नीचे जाके रख दे, थोड़ा प्रेस करके रखना है नींबू का, थोड़ा नींबू का रस हथेली में गिरना चाहिए, हथेली से बाहर निकलेगा। पहले मैंने ये घर पे प्रयोग करके देखा, बाद में ये प्रैक्टिकल आपको दिखाया। यहाँ से कोई भी प्रयोग मैं शेयर करता हूँ तो पहले वो प्रयोग मैं आजमा लेता हूँ कि ये प्रयोग काम करता है कि नहीं करता है, तो मुझे अच्छा लगा, वो बहन जी को फायदा हुआ है। आप भी प्रयोग करके देखें, आपको भी फायदा अवश्य होगा। बस दोस्तों, जो भी भाई बहन वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।